जमीन घोटाले मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी द्वारा समन जारी कर 24 अगस्त यानी कि आज क्षेत्रीय कार्यालय बुलाया गया था, परंतु झारखंड सीएम ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय किसी कारणवश नहीं गए और डाक कर्मचारी के माध्यम से लेटर भेजा। हालांकि मुख्यमंत्री के ईडी कार्यालय में आने को लेकर कार्यालय के पास सुबह से ही सुरक्षा की विशेष व्यवस्था लगाई गई थी, परंतु दोपहर को सीएमओ से आए डाक कर्मचारी के द्वारा ईडी को दिए गए डाक लेटर के बाद स्थिति स्पष्ट हो पाई कि झारखंड के मुख्यमंत्री ईडी के कार्यालय 24 अगस्त को नहीं आएंगे। हालांकि सीएमओ से लेकर आए डाक कर्मचारियों का कहना है कि हमें डाक बांटने का काम होता है और हम डाक लेकर कार्यालय आए थे। हम लोग जाने दिन एयरपोर्ट में कहाँ से आए हैं और क्या लेके आए और क्या लेके आए थे? हम इनका पता हम लोग डाक बांटने के अभी और एयरपोर्ट जा रहे हैं, अभी प्रोजेक्ट जाएंगे डाक बांटने। अब कहा था कैसे बताओ सो बताइए, हम लोग डाक बांटने हैं भाई बताइए। अरे लेट हो रहा है, सीएमओ से बोल दो अंदर में क्या कुछ बोला गया? कुछ नहीं, हम इनका हमें रिसीव करा है, हम जा रहे हैं। हेलो 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 हेलो, इधर से बता दीजिए एक बार कहाँ से आए हम लोग। झारखंड के मुख्यमंत्री प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जारी समन के बाद नहीं आने के विषय में प्रदेश की विपक्षी पार्टी भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री को यह समझना होगा कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और जिस प्रकार से वह कानून और ईडी के साथ आंख मिचौली खेलने का काम कर रहे हैं, इससे आम नागरिक के मन में संदेह उत्पन्न होता है कि उनके मन में कोई खोट है। ईडी सीबीआई जैसी संस्थाएं राज्य से भ्रष्टाचार का खात्मा करना चाहती है और यह संस्थाएं मुख्यमंत्री से सिर्फ और सिर्फ यह जानना चाहती हैं कि आप जिस राज्य के मुख्यमंत्री हैं वहां के कुछ लोग अनलीगल माइनिंग और जमीन घोटाले आदि में लूट मचा रखी है, वह कौन लोग हैं। मुख्यमंत्री को प्रवर्तन निदेशालय का सहयोग करना चाहिए। देखिए, राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को यह समझना होगा कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और ईडी के साथ जो आंख मिचौली खेलने की कोशिश की जा रही है कि दूसरी बार समन करने के बावजूद आज ईडी के दफ्तर नहीं पहुंचे पूछताछ के लिए, तो एक आम नागरिक के मन में संदेह उत्पन्न होता है कि मुख्यमंत्री के मन में कुछ खोट है जिसको वो छुपाना चाहते हैं। और एक तरह से कहें तो ईडी और सीबीआई जैसी संस्थाएं तो राज्य से भ्रष्टाचार का खात्मा करना चाहती है, वैसे लोग जो राज्य को खोखला कर रहे हैं, लूट रहे हैं, उनको साफ करना चाहती है। तो मुख्यमंत्री से सिर्फ इसी बात की जानकारी लेनी है कि जिस राज्य के आप मुख्यमंत्री हैं वहां कुछ लोगों ने लूट मचा रखी है, चाहे इलीगल माइनिंग का मसला हो, जमीन का मसला हो, अन्य जहां कहीं भी हाथ डालें इस तरह के लोग सामने आ रहे हैं, तो ईडी वही जानना चाहती है कि ये कौन लोग हैं, कौन संरक्षण दे रहा है इनको और किसके सह पर ये लोग इस तरह से बेखौफ होकर लूट मचा कर रखे हैं। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री को सहयोग करने की आवश्यकता है ईडी के साथ, और सारी बातें अगर सामने आ जाए तो मैं समझता हूँ कि राज्य से जो भ्रष्टाचारी हैं उनको भगाने में भी मदद मिलेगी।